This is the new talent upcoming. Ubaid open se move kar rahe hain par psycho yahan pe spot zarur karenge lekin Ubaid yahan pe jab wo damage dene ke liye unko jab wo diwaron ke through jab wo maarne ki koshish kar lagani hai and heal karte hue there you go door ke upar pre fire karte hue nazar aa rahe hai ye player that was just amazing nice spotting mere khayal se pure pakistan mein इस टीम की डेफिनेटली बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई होने वाली है। दरवाजे के आरपार वहां जब उनको स्पॉट करके एलिमिनेट ओपन एरिया से टीम मोइस रशन करती हुई आ जरूर जाएगी लेकिन यहां टीम आईएनवी के साइको फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा वो भी नीचे से लेकिन 17 का डैमेज उनको भी पड़ता है नॉक नहीं हो पाते। ओएस अगेन उबैद ओपन से मूव कर रहे हैं पर साइको यहां पर स्पॉट जरूर करेंगे लेकिन उबैद यहां पे जब वो डैमेज देने के लिए उनको जब वो दीवारों के थ्रू जब वो मारने की कोशिश कर रहे हैं मतलब डेफिनेटली यहां जब वो स्पॉट किया जाता है लेकिन यहाँ पे विद इन अ सेकेंड यहाँ पे जब वो बैस दो नॉक्स निकाल देते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छा स्प्रे अटैक किया गया ओएस की तरफ से ऑल्दो नॉग निकाला गया लेकिन अभी लास्ट प्लेयर बचा आई एम साइको मौजूद रहेंगे एंड ओएस के स्क्वाड रुकने नहीं वाला। साइको को फर्स्ट एड लगानी है एंड हील करते हुए देयर यू गो डोर के ऊपर प्री फायर करते हुए नजर आ रही है प्लेयर दैट वाज जस्ट अमेजिंग नाइस स्पॉटिंग एंड फॉरन से एलिमिनेट कर दिया पूरे स्क्वाड को बड़े अच्छे तरीके से वाइप आउट कर दिया। ऑल्दो गन भी उनकी ग्लिच हुई थी जिसकी वजह से उनको बिल्कुल आइडिया रहा कि वो प्लेयर उधर मौजूद रहेगा प्लेयर की हेयरिंग भी अच्छी रहती है जहां पर हेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता वहीं पर जब वो गन ग्लिच नजर आया होगा आप दरवाजे के आरपार वहां जब उनको स्पॉट करके एलिमिनेट किया जाता है बट डेफिनेटली यहां पे टीम कॉल्स भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो एक ट्रेंडा के ऊपर स्प्रे डाउन करते हुए टीएफडी के इलीगल यहां पे जब वो काफी इलीगल स्प्रे जाता था उनका लेकिन यार नॉक नहीं हो पाता ट्रेंडा समहाउ जब वो सर्वाइव कर जाते हैं डाउन टू 10 एचपी जरूर होते हैं लेकिन इलीगल नहीं चाहते कि वहां पे सामने ट्रेंडा को जब वो किसी भी तरह से मैं कहता हूं कि जिंदा छोड़े लेकिन बात की जाए फ्लेक्स के डिस्ट्रॉय की वो यहां पे इस वक्त एक दीवार पर जो है वो आ चुके हैं कवर लेने की कोशिश की जा रही है उनकी और वीकेंड को नॉक कर देते हैं। मेरे ख्याल से बेशक स्क्वाड का नाम ओल्ड स्कूल नजर आ रहा है लेकिन एक बड़ी नई स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है लाइक सेमीफाइनल्स का स्टेज आ चुकी गन बैक पे रख के कहीं से भी पुश इन किया जा रहा है ओपन फील्ड की तरफ से नेड प्री फायर एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। दिस इज द न्यू टैलेंट अपकमिंग ये एक पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन करने वाली टीम और मेरे ख्याल से जहां पे अब इन टीम से अगर बात करें तो ये ऑलरेडी ये चीजें कहते हुए नजर आते हैं कि लाइक हम पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आपको नाम रोशन करना है एंड मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इस टीम की डेफिनेटली बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई होने वाली है। डेफिनेटली आप जब एक नाम जब बन जाता है आप किसी भी बड़े टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं पर के ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा इस वाइज द लास्ट वुमन स्टैंडिंग फॉर हर टीम आउट देयर यहां पर जो उनके ऑपरेशन किया जाएगा पर मोलो स्पैम करते हैं अश्वा को थोड़ी सी आग लगाने की कोशिश की जाती है इसके लिए वही जो उनके सीने में लगी है टू बी वेरी ऑनेस्ट अनारकली को यहां पर जो यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश की टीम पब्लू के पिक यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन यहाँ टीम पब्लू अपने प्लेयर को रिवाइव करके फिर यहाँ पे जब फाइट निकालने की कोशिश की जाएगी नहीं चाहते कि उनको कभी प्लेयर नॉक होकर एलिमिनेट हो जाए। टीम पब्लू अपने प्लेयर को रिवाइव दे रही है एंड नाउ अ टीम जब वो रिग्रुप कर चुके हैं पीका अब एंट्री लेना चाहते हैं वो यहाँ पर रशन करना चाहते हैं अश्वा शॉर्ट गन लेके ऊपर मूव कर चुके क्या आप एक किल कन्फर्म कर सकती है एक नॉक निकाल के किल कन्फर्म कर सकती है ये इनका इस वक्त चैलेंज होने वाला है यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा लेकिन यहाँ पर टायरेंट पीपर देते हैं शॉर्ट गन मूव कर शॉर्ट गन चलाने की उसके हीरो आ जाएगा शॉर्ट गन का रशन करते हुए एंड एलिमिनेट किया जाएगा चारों प्लेयर्स क्रेट के ऊपर प्रोन हो चुके हैं। स्प्रे लुक एट देयर स्प्रेज वो एंजॉयमेंट के मोमेंट देखें जहां पे एक एक प्लेयर को पंच करके एलिमिनेट किया जाता है देयर यू गो टीम बब्लू इज ऑन डोमिनेशन इस स्क्वाड को एलिमिनेट किया एंड देयर यू गो What is this, यार? Pika is going for those drop shot on the crate. मतलब यार बंदे को मार के इसके crate पे drop shot मार रहा है. कमाल क्या? And to be very honest, वो Molly bag में से नहीं निकली थी. वो दिल से निकाल के फेंकी गई थी. And वो जश्न करते हुए team Bablu definitely went there for the revenge. And पूरे पाकिस्तान का इस टाइम ये एक बड़ा क्लब बनते हुए आवल से बिकॉज ऐसा रिवेंज मोमेंट हमने आज तक नहीं देखा। दे वर जस्ट डूइंग डाटा डाटा मतलब वो हवाई फायरिंग कर रहे थे जिस तरह शादियों में देखने को मिलती है अक्सर अगर आपने देखा हो कि बहुत ज्यादा अगर ये भी शादी थी तो आपको पता है शायद दुल्हन कौन बना है।